तो भाई यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक, और 7-8 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इसे। तो अभी इसको निकालने से पहले थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, थोड़ी देर कवर साफ़ कर दिया जाए इसे ढंग से। तो भाई बाइक तो मैं थोड़ी बहुत कर चुका हूँ साफ, और इसमें एक दिक्कत आ रही थी, इंजन चेक का साइन आ रहा था, तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, और देखो ये इंजन चेक का साइन, और पहले इसको न्यूट्रल में है ये, और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट होती है कि नहीं होती 7-8 दिन के बाद। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है अपने डोमिनार की फोर्ड सर्विस करवाने, जो कि पेड सर्विस होने वाली है। मैं पहले आज से पहले पड़पड़गंज में करवाता था, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ वैशाली। तो वैशाली में पड़ता है सर्विस सेंटर, जो कि मेट्रो स्टेशन से पास होने वाला है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ, और अभी जाके देखते हैं कि वहाँ से AMC करवानी है कि नहीं करवानी, वहीं जाके पता लगेगा। और जैसा कि आपने अभी पहले देखा होगा कि मेरे बाइक में अभी इंजन चेक का साइन शो कर रहा था 3 सेकंड तक, जो कि जलता है स्टार्ट करने पे, 3 सेकंड तक जलता है वो, आपने देखा होगा। तो अभी मैं वही चीज़ पूछने वाला हूँ कि यार इंजन चेक का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है माल फंक्शन जो बाइक में करती हैं, तो उसके वजह से इंजन चेक का साइन आता है। तो अभी वही जाके देखते हैं कि क्या होता है। और अभी मेरी बाइक में थोड़ी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम एज सच नहीं लग रही है, बट ये है कि हाँ मेरी बाइक 4200 या 4200 चल चुकी है, मतलब 4200 समथिंग को चल चुकी है जब से मैंने लास्ट सर्विस करवाई है। और एक्चुअली सर्विस मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट सर्विस करवाने के बाद स्पीति चला गया था, फिर स्पीति के बाद केदारनाथ चला गया था, देन उसके बाद ये अभी तक सर्विस हुई नहीं है। तो बढ़िया है, सर्विस पहले करवा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इंजन चेक का साइन आ ही रहा है, और मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब बाइक में लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि थोड़ी एक्सेलरेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा हार्डनेस सी आ रही है, और गियर शिफ्टिंग में थोड़ी हार्डनेस सी है, तो वो चीज़ दिखाते हैं आज। चलो चलो चलो। तो भाई ये लेफ्ट साइड में पूरा वैशाली है, लेफ्ट और राइट साइड में। तो बहुत टाइम से यार मतलब ट्रैवल वीडियोस आ नहीं पा रही, क्योंकि यार ऑफिस से बिल्कुल भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही, और ठंड भी आपको पता ही है यार कितनी हो रही है, मन तो ऐसे भी नहीं करता कुछ करने का अब। इनफैक्ट यही इतने टाइम बाद मैं 1 महीने बाद अपनी बाइक निकाल के लाया हूँ सर्विस करवाने के लिए, बट ये था कि हाँ बाइक थोड़ा लोकल में हल्का फुल्का घुमा लेता था और स्टार्ट कर देता था हर 3 से 4 दिन में। तो अब जाके देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स निकलती है अपनी बाइक में, क्या क्या इशू आते हैं। यहीं कहीं होने वाला यार सर्विस सेंटर, देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। ये भाई राइट साइड में वैशाली का मेट्रो स्टेशन, और यहीं लेफ्ट साइड में कहीं है बजाज का सर्विस सेंटर, बजाज और KTM का दोनों का मर्ज है, पुराना बजाज। अभी देखना बाइक कहाँ से डालनी है। भाई सर्विस, हाँ बात किससे करनी है। भाई सर्विस करवानी थी यार बाइक की, है लंच हो रहा है अभी, कब तक होगा? 2 बजे तक। अच्छा वो डोमिनार में मोटूल का जल जाता ना ऑयल, ठीक है। तो भाई जॉब कार्ड बन चुका है, और टाइम दे रखा है 6:30 बजे का, कि 6:30 बजे तक अपनी बाइक सर्विस हो जाएगी। अभी वहाँ पे आगे बाइक वॉश हो रही है।
तो भाई सर्विस करवा के मैं निकल चुका हूँ। 2:30 बजे तक मेरा जॉब कार्ड बन गया था और 4:50 हो रहे हैं अभी, तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। सारा काम हो चुका था, जो मैंने आपको इंजन चेक का बताया था वो मतलब नॉर्मली शो कर रहा था, तो उसमें कोई इशू था नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। हैंडल थोड़ा ढीला था क्योंकि स्पीति ट्रिप में और फिर केदारनाथ की ट्रिप में थोड़ा हैंडल मेरा लूज़ हो चुका था, तो हैंडल भी टाइट हो कुछ हो चुका है। सारा काम हो चुका है, अभी जो मैंने ऑयल दलवाया मोटूल का दलवाया है, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ कि मेरा कितना बिल आया और क्या क्या चीज़ें हुई हैं प्रॉपर। अभी थोड़ी बाइक थोड़ी अजीब सी लग रही है चलाने में क्योंकि हैंडल थोड़ा टाइट हुआ है ना अभी। तो भाई जहाँ तक बात रही सर्विस की, यहाँ पे शिवा बजाज पे जो कि वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है आपका, तो मेरे को तो भाई बहुत सही लगा। और जो भाई थे, भाई का मैं नाम पूछना भूल गया, मतलब बहुत सही सर्विस करी है। और कोई यहाँ पे पंगा वंगा नहीं था कि नहीं यार मतलब आप बाइक चेक करवाते वक्त कोई खड़े नहीं हो सकते, ऐसा कोई इशू नहीं था। आप देखो आपकी बाइक सही हो रही है, आपकी बाइक सर्विस हो रही है, तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। अभी तक तो मेरे को मतलब यहाँ पे सर्विस जो की है शिवा बजाज की सही लगी है। मे बी नेक्स्ट टाइम यहीं आऊँ क्योंकि मेरे घर से 6 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाता है ये। तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ और ये लेफ्ट में आपकी वैशाली की मार्केट, बड़ी सही मार्केट है भाई। अभी ये है कि यार काम बहुत जल्दी हो गया। मैं वहाँ पे पड़पड़गंज वाले में जाता था यार, सुबह जाता था शाम को निकलता था, बड़ी गंदी बसड़ है भाई वहाँ की। तो वहाँ पे काम हो ना हो आपका लेट होना ही होना है भाई वहाँ पे। कहाँ गया यूटर्न भाई? अच्छा आगे से है। बस अब सनसेट भी होने ही वाला है और अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि यार आपको मतलब बाहर ही कहीं थोड़ा खुली सी जगह पे जो मेरे घर के पास पड़ती है वहाँ पे मतलब आपको सारा बिल विल सब कुछ बता दूँ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितना कितनी कॉस्ट आई है मेरे को फोर्थ सर्विस की। और मैं पहले AMC बनवा रहा था बट यार मैंने नहीं बनवाई क्योंकि यार बंदा फिर बाउंड हो जाता है मतलब एक साल में, मतलब आपको यहीं से करवानी है और एक साल में 3 सर्विस करवानी है। अब कुछ नहीं पता भाई टाइम का, कब क्या हो जाए, लॉकडाउन लग जाए या मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, मतलब बाइक चले ना चले, बट ये है कि बंदा बाउंड हो जाता है वहाँ पे सर्विस करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं करा AMC करवाना, वरना तो मैं AMC करवाने वाला था। बट ठीक है कोई नहीं, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है AMC में भी। इस रोड की तो भाई थोड़ी हालत हो रखी है ख़राब क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों का जैसे कि आंदोलन चल रहा था यार, तो उस चक्कर में NH 24 हो रखा था बंद, और तो सारी मतलब बस ट्रक सारे के सारे व्हीकल यहीं से जा रहे थे। और ये भाई सामने गाजीपुर का खत्ता भाई, बड़ी गंदी स्मेल आती है यार सच में यहाँ से। अब तो ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया हैंडल। तो भाई जैसा देख सकते हो बाइक एकदम चमक चुकी है पूरी और सारा का सारा काम हो चुका है, सर्विस हो गई, इंजन ऑयल चेंज हो गया, सारा कुछ हो चुका है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि मेरी बाइक में क्या क्या काम हुआ है। मेन काम हुआ है जो कि मेरा यार मतलब ना हैंडल बहुत ढीला था, मतलब ढीला हो चुका था तो कट कट की आवाज़ आ रही थी, तो वो टाइट हुआ है। चैन ढीली थी वो टाइट हुई, चैन की क्लीनिंग हुई है, लुब्रिकेशन नहीं हुई है, जस्ट एक नॉर्मल सा ऑयल डाला जो अभी मैं घर जाके ल्यूब कर दूंगा चैन को। और फिर सारे नट बोल्ट टाइट हुए हैं क्योंकि बहुत ढीला था नट बोल्ट। और मतलब बाकी और तो मेन कुछ काम हुआ नहीं है इसमें। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने सर्विस कहाँ से करवाई है और क्या उसकी कॉस्ट आई है। तो देख सकते हो शिवा स्कूटर एजेंसी जो कि आपका ये पड़ता है वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ता है, और जो मैंने करवाई है सर्विस वो करवाई है 11,944 में। इससे पहले हुई थी सर्विस 7,750 पे, तो बट जल्दी करवा ली मैंने, बट ठीक है अगर जल्दी करवा लो तो भाई बहुत सही है। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो कि आपकी कॉस्ट आई है 76 रुपीज़, मोटूल का 7,100, इंजन ऑयल 10W50 फुली सिंथेटिक डला है 1.7 लीटर जो कि नई बाइकों में डलता है 250 में, और 400 में भी यही डलता है 1.7 जो कि नई आई है, और तो उसका आया 1,495 रुपीज़, और प्लस पेड सर्विस थी तो इसीलिए 590 रुपीज़, और 59 रुपीज़ आपके हुए हैं चैन क्लीनिंग के। तो ये टोटल कॉस्ट बनती है
2220 रुपीज। तो भाई ये पूरी की पूरी कॉस्ट है, जो कि मतलब टैक्स वैक्स लगा के सब इंक्लूड करके आई है। तो भाई एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब जो कि वहाँ की सर्विस थी भाई बहुत ही सही थी, मैं पड़पड़गंज से करवाता था। अब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सही सर्विस हुई है। और इनफैक्ट जो मैकेनिक था बंदा भाई बहुत सही बंदा था। और आप भी जा सकते हो वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास, मैंने आपको बता ही दिया कि सिवा बजाज करके है वहाँ पे, KTM का भी है, बजाज का भी है, हस्कवर्ना के भी शायद है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।